Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है, बिकॉज अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करना चाहते हैं या अपना कोर्स कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है, बिकॉज आज का हमारा जो टाइटल है वो है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं 6 स्टेप्स के अंदर जो है पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जो है एंड तक देखते हैं। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो देखो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कभी भी जो डिजिटल मार्केटिंग आज का जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंपल चल रहा है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किसी भी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूट से हमने कवरअप कर लिया, हमारे पास अब उसका सर्टिफिकेट है, अब हम उस सर्टिफिकेट को लेके आगे अपने करियर में बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे काफी बड़े चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज हमसे सबसे पहले जो पूछा जाता है कि क्या आपके पास में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो यहां पे आंसर हमारा आ जाता है कि नहीं, हमें कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट तो नहीं करा, यानी कि किसी प्रैक्टिकल वेबसाइट के ऊपर में हमने एसईओ का काम नहीं किया है, लेकिन हमारे पास में नॉलेज बिल्कुल अच्छा है, हमारे पास में सर्टिफिकेट, हमने ऐसी रेपुटेशन इंस्टीट्यूट से किया है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट कि आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, सब कुछ ओके है। The only thing is कि आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि आपको जो है मैं यहां पर थियोरेटिकली एक जो है कार चलाना सिखा दूं, आपको मैं बता दूं ए बी सी, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच इसका मतलब होता है, और गियर मैं पूरा बता दूं, और आपको मैं एक रूम के अंदर बिठा के वहां पर आपको बोलूं कि अब आप जो है गाड़ी यहां पे जैसे मैंने बताया वैसे एक्सपीरियंस करो, तो आप 2 महीने करो, 4 महीने करो, 6 महीने करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन मैं आपको रियल गाड़ी के अंदर बिठाऊंगा और उस दिन आपका जो जजमेंट है वो डेफिनेटली आउट ऑफ फोकस जाएगा, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल वो गाड़ी जब ऑन रोड चलती है, जब ट्रैफिक होता है, वहां पर कैसा एक्सपीरियंस होता है ये आपको नहीं है। तो यही चीज यहां पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। तो चलिए भी 6 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो है टारगेट ऑडियंस और जो कंपटीटर्स हैं उनको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कि आपके जो कंपटीटर्स हैं एंड जो राइट टारगेट ऑडियंस है उसके बारे में रिसर्च करना। तो रिसर्च अगर आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेकेंड होता है आपका कीवर्ड रिसर्च करना। हमने टारगेट ऑडियंस देख लिया, हमने कंपटीटर्स देख लिए, अब उसके लिए कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए हम अपनी वेबसाइट को जो है रैंक करवा सकते हैं, तो वो आपका कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कीवर्ड रिसर्च जो है आपको जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बताएगा कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च करी थी क्या वो सही है या गलत है। तीसरा अगर बात करें तो वो होता है आपका टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ कहने का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो टेक्निकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसईओ होते हैं, उसके अलग से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तो टेक्निकल एसईओ जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वेबसाइट को जो है आगे रैंक करवाने के लिए। तो आपको टेक्निकल एसईओ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज योर 4th स्टेप, विच इज योर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनेशन के दौरान चल रहे हैं कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, लेकिन प्रैक्टिकली जब एसईओ करेंगे किसी ऑन पेज के ऊपर में, तब उसका जो स्कोर होगा वो हमें तब समझ में आएगा जब हम चीजों पे वाकई प्रैक्टिकल चीजों पे काम करेंगे, तब समझ में आएगा कि कितने कीवर्ड्स कहां कहां पे स्टफ करने होते हैं और कैसे उसको जो है पूरा एक स्ट्रक्चर करना होता है पेज के ऊपर में, क्या क्या चीजें, चाहे कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे काम करना होता है, कैसे इमेजेस को लगाना है, कैसे उसके अल्ट टैग वगैरह डालने हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है ऑन पेज एसईओ पे करनी होती है। फिर आपका 5th आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विच इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ यानी कि अब आपने हर काम अपने वेबसाइट पे कर लिया, अब दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाकर आप अपनी वेबसाइट को जो है फीड दे रहे हैं, जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, बैकलिंक्स वगैरह लेके आ रहे हैं,
उनके ऊपर में आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं और कितना ट्रैफिक हम जो है वो लेकर आ रहे हैं। ये सब करने के बाद फाइनल जो स्टेप आता है वो होता है आपका एनालिटिक, यानी कि मॉनिटरिंग, कि हमने जो किया अब तक क्या वाकई वो जस्टिफाइड है, क्या वाकई वो काम कर रहा है, क्या वाकई वो जो है हमारे लिए ट्रैफिक लेकर आ रहा है, क्या वाकई वो हमारे लिए एक जो टास्क जिस लेवल पर जिस गोल को हम रीच करना चाहते थे क्या वो हमें वहां तक लेके जा रहा है। ये चीजें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और यहां पे मैंने सिर्फ एक आपको छोटे मोटे कुछ एस्पेक्ट्स बताए जिसके बेसिस के ऊपर में आप बिल्कुल अगर आगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आपके पास में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होना जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर में आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक जो प्रैक्टिकल जो चीजें होते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं अब इस तरह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। तो डेली बेसिस पे आपको वीडियो यहां पे मिलने वाले हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।